उन्मेष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाइक चालक ने यातायात आरक्षक से मारपीट कर फाड़ी वर्दी, वाहन चेकिंग के दौरान गर्रा नाके में हुई घटना। चुनावी वर्ष में सरकार को घेरने कोई मौका नहीं गंवा रहे कर्मचारी संगठन। वन कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदेश सरकार को भेंट की चूड़ियां। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा, लूट और झूठ की सरकार है मोदी सरकार। मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे गौरीशंकर नगर के बाशिंदों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज कर किया धरना प्रदर्शन। धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर न होने से नाराज अन्नदाता किसान संगठन। गुंगलई कृषि मंडी के सामने दिया धरना। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का सरकार पर लगाया आरोप। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले युवक को 5 साल की सजा। और विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने की पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के कार्यकाल की आलोचना। कहा, सिर्फ सभा मंच और मोक्षधाम बनाने से नहीं होता विकास। और अब समाचार विस्तार से। यातायात विभाग द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सोमवार को भी यातायात विभाग के कर्मचारी गर्रा नाका पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान वहां लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम बघौली का एक युवक वसीम खान पहुंचा। इस पर वाहन चेकिंग में लगे आरक्षक दीपक ने उसकी बाइक को रोककर दस्तावेज चेक करने की बात कही, तो वसीम खान ने दीपक राजोरकर को गालियां देकर उससे मारपीट की और उसकी वर्दी फाड़ दी। यह देख वहां खड़े अन्य कर्मचारियों ने आरक्षक को छुड़ाया और वसीम खान को पकड़कर थाने ले गए। कोतवाली पुलिस ने वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस वर्ष के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष में शासकीय कर्मचारियों ने अपनी मांग पूरी करवाने हड़ताल को ब्रह्मास्त्र बना लिया है। पिछले 6 माह से अधिक समय से प्रतिदिन किसी न किसी संगठन द्वारा हड़ताल की जा रही है। पहले कर्मचारी आश्वासन पर हड़ताल स्थगित कर देते थे, लेकिन अब वे भी जागरूक हो गए हैं और सिर्फ आश्वासन से नहीं मान रहे हैं। जी हाँ, जिले में भी इस समय कई संगठन हड़ताल पर हैं। इनमें सबसे प्रमुख है वन कर्मचारी संगठन। इधर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये अधिकारी जिला पंचायत के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री काफी समय से सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, अब आर पार की लड़ाई है। मैं वीएन माहुले, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ बालाघाट का जिला अध्यक्ष। सर, आज आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, किन मांगों को लेकर? हमारी शासन से मुख्य 3 मांगे हैं। पहली है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सर्वेयर के समान वेतनमान। दूसरा है हमारे विभाग में कार्यरत जो संविदा कर्मचारी है उनका विभाग में सविलियन। और तीसरा है हमारे विभाग में जो किसान मित्र और किसान दीदी है उनको एक सम्मानजनक मानदेय जो है वो दिया जाए। कब तक चलेगी अनिश्चितकालीन? जब तक मांगे पूरी नहीं होती। पिछले 1 साल से हम लोग सीएम से और शासन से मांग करते आ रहे हैं। बार बार हमको आश्वासन मिल रहा है। सीएम महोदय ने शाजापुर में सार्वजनिक मंच से हमारी मांगें पूरे करने का आश्वासन दिया। उसके बाद भी आज तक जो है सकारात्मक शासन का रूप जो जब हमको नहीं मिला, तो मजबूरी में हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ा। वहीं ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे रोजगार सहायक भी कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। इस तरह ऐसा लग रहा है कि चुनावी साल में अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल रूपी ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर अपनी मांगें पूरी कराने जोर लगा रहे हैं। इस संगठन की महिला कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदेश सरकार को चूड़ी भेंट कर अपना आक्रोश जताया। आपको बता दें कि फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन और वन कर्मचारी संघ के द्वारा पिछले 5 दिनों से हड़ताल की जा रही है। रविवार को पुरुष कर्मचारियों ने मुंडन कराकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। वहीं सोमवार को महिला कर्मचारियों ने जमकर आक्रोश दिखाते हुए मध्य प्रदेश की सरकार को चूड़ियां भेंट की। आपके सामने ये मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है, हाथ में कटोरा लेकर। हमारे मंच में हमारी महिला साथी जितनी हैं, हमारे रेंजर एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदया और
सभी लोगों को भाई हम लोग आज रोष व्यक्त कर रहे हैं, चेहरे में रोष होना चाहिए, सारे लोगों के चेहरे में क्रोध हो, रोष हो, क्योंकि हम आज हमारी मांगों के लिए हम कितने दिन से विफल हैं, 5 महीने हो गए हम परेशान हैं। वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि चूड़ी भेंट करना विरोध का एक तरीका है, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। हमारा मकसद है कि कुछ सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे और ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन करने का, हमारा आक्रोश प्रदर्शन करने का एक तरीका है। शायद अब तो सरकार चूड़ियां पहनाने के बाद अब तो सरकार को जागना चाहिए और हमारी मांगों को, हम वनों की सुरक्षा करते हैं, हमारी मांगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए और मानना चाहिए। जैसे कैबिनेट में रखने की बात, हमें तो हम लोग को है उम्मीद कि हाँ, क्योंकि यहाँ पूरा काम रुका हुआ है वनों का, तो हमें लगता है कि सरकार ज़रूर हमारी परेशानी समझेगी और उस पर कुछ ना कुछ विचार जरूर। सोमवार को ही इन हड़ताली कर्मचारियों से मिलने उनके पंडाल में DFO देव प्रसाद जे और SDO श्री वासनिक पहुंचे। उन्होंने हड़तालियों से चर्चा भी की और मांगे जल्द पूरी होने की अपेक्षा जताई। कल मीटिंग है तो इसके पहले अगर हमसे अगर कुछ पूछा जाता है तो हम बता देंगे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सारे कर्मचारी मतलब अभी काम में नहीं आ रहे हैं तो बहुत जगह पे मतलब जंगल है अभी खुला पड़ा है और कहीं जगह पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसमें काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो इस संबंध में हम शासन को अपना पक्ष रखेंगे कि ये कारण है और हम शासन से निवेदन करेंगे तो जल्दी निर्णय लें ताकि इनका पूरा मांग पूरी हो जाए और सब लोग वापस जाए। आपको लग रहा है कि काफी कार पूरी तरह से प्रभावित होंगे? हाँ, बिल्कुल। जो वन प्राणी है वो भी। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। श्री मुंजारे ने कहा कि मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा जश्न मना रही है जबकि लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। श्री मुंजारे ने मोदी सरकार को लूट और झूठ की सरकार करार दिया है। मोदी सरकार जो 4 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है और दूसरी तरफ लाखों किसान आत्महत्या करके मर गए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हर दिन एक नौजवान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये लूट और झूठ की सरकार है, चोरों की सरकार है। आधा काला धन लाएंगे, काला धन 1 रुपये नहीं लेके आए, आधा 15-15 लाख रुपये हम हर नागरिक के खाते में डलवाएंगे, वो तो कर नहीं पाए, उल्टा सफ़ेद धन भारत का विदेश चला गया, 2 लाख करोड़ रुपये। अजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, सुशील मोदी, सूरत का एक हीरा व्यापारी अग्रवाल, ये सब लोग लूट कर पैसा ले रहे हैं। मोदी सरकार चुपचाप मुखदर्शक बन के तमाशा देखते रहे। कहाँ कहा था कि हम वहाँ से पैसा लाएंगे, काला धन यहाँ से सफ़ेद धन चला गया, जनता का जनधन चला गया, लोगों की मेहनत का खून पसीने की गाड़ी कमाई। इसलिए झूठ और लूट की सरकार है। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, 10 लाख करोड़ रुपये उसमें उन्होंने जनता की जेब से निकाल लिया, टैक्स लगाकर, मनमाना टैक्स लगाकर, वैट टैक्स लगाकर टैक्स लगा, तो राहत कुछ नहीं दिया। किसानों को कहा था कि तुम्हारी फसल का काम दुगना करेंगे, फसल का दाम दुगना नहीं किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, उल्टा 100 रुपये जो बोनस दे रही थी यूपीए सरकार, उसको एनडीए सरकार के आने पे उसको बंद कर दिया बोनस। राफेल डील में करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसको वो लोग बता नहीं पा रहे। रक्षा मंत्री बोलती है बताना उचित नहीं है, गोपनीय है, वो लेन देन को गोपनीय रखा जाता है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ की सरकार है, बेमानव सरकार है। नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी गौरीशंकर नगर के रहवासियों ने मूल सुविधाओं को लेकर नगर के अंबेडकर चौक में सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किया है।
वार्डवासियों ने सरकार से के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने बताया कि काफी वर्षों से वे पट्टे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पट्टे प्रदान नहीं किए गए। लखन बागड़े, बागड़े जी, आज आप लोग धरने पे बैठ गए, क्यों बैठ गए धरने पे? धरने पे हमारी प्रमुख तीन मांगे हैं, पट्टा, सड़क और नाली की मांगे हैं, और शासन से अनेक बार हम लोगों ने आवेदन किए, बाकी हमारे को आश्वासन मिला है, बाकी जमीनी तौर पे जो काम होना चाहिए जमीनी तौर पे वो काम नहीं हुआ है, इस कारण से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं हम बैठेंगे। समाज सेवी विशाल बिसेन ने कहा कि वार्डवासियों के समर्थन में कांग्रेस उनके साथ है, वार्डवासियों को उनके अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये अपने बालाघाट नगर में नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जो है एक नया नहीं कहना चाहिए, लगभग 10 साल पहले से लोगों ने यहाँ शुरू करना किया। गौरीशंकर नगर नाम से जो इन गरीबों ने एक बस्ती बसाई है, और लगातार 8 कलेक्टरों के तबादले हो गए, इनके द्वारा लगातार 10 सालों से जो आवेदन दिए जा रहे हैं आज दिनांक तक इनको पट्टन दिया गया, बल्कि 15 दिवस पूर्व पीयूष भट्ट जो यहाँ के संयुक्त कलेक्टर हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर आपके यहाँ नाली निर्माण शुरू हो जाएगा, सड़क का काम शुरू हो जाएगा, और उसके बाद भविष्य में फॉरेस्ट को हम लेटर लिख रहे हैं कि वहाँ से जमीन ट्रांसफर हो जाएगी, छोटे झाड़ का जंगल है, और आपको पट्टे दिए जाएंगे। बड़ी दुखद बात है, मैं तो जनता से कह रहा हूँ, इन सभी से मेरा कहना है कि हमारी कांग्रेस सरकार बनने पर कमलनाथ जी ने पहले ही कह दिया है कि जो कुछ मांगे प्रदेश में मुख्य रूप से उठते रही हैं, जिसमें गरीबों के पट्टे की मांग है, उसको सबसे पहले कांग्रेस सरकार बनती है तो पूरा किया जाएगा। मैंने आज इन्हें आश्वस्त किया है कि इनके पूरे धरना कार्यक्रम, इनके आंदोलन में इनका पूरी पार्टी इनके सहयोगी बनकर इनके साथ खड़ी रहेगी। हम चाहते हैं कि प्रशासन जागे, लगातार 12 साल से जो आवेदन आ रहे हैं उन आवेदनों पर कार्रवाई करें, और इन गरीब जो परिवार वाले इस गौरीशंकर नगर में रहते हैं। उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर धान की खरीदी समर्थन मूल्य से कम में किए जाने के विरोध में अन्नदाता किसान संगठन ने गायखुरी स्थित गोंगलई मंडी के सामने धरना देकर आंदोलन की शुरुआत की है। इस संबंध में संगठन के जिलाध्यक्ष दिलीप उपवंशी ने कहा कि संगठन द्वारा 2010 में हाईकोर्ट में समर्थन मूल्य को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने संगठन के पक्ष में फैसला दिया था, इसके बावजूद भी सरकार कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। हम लोग 2 साल पूर्व 2016 में अन्नदाता किसान संगठन ने माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर करी थी, उस पिटीशन याचिका का माननीय न्यायालय से जो जजमेंट आया है कि किसानों के द्वारा जो भी उपज होती है वह समर्थन मूल्य से कम में खरीदी न हो, और माननीय उच्च न्यायालय ने मंडी बोर्ड के जो डायरेक्टर है एमडी साहब भोपाल, उनको 90 दिनों में यह व्यवस्था बालाघाट ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश में लागू करवाने के लिए निर्देशित किया था, क्योंकि 90 दिन हो चुके हैं और 90 दिन देखने में यह आया है कि समर्थन मूल्य में मूल से जो है रबी की जो फसल धान जो है वह खरीदी नहीं जा रही है, इसलिए हमने 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, और आज उसी की कड़ी में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए आज हम लोग 28 तारीख से 2 तारीख तक 6 दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ बैठे हैं कि किसानों की जो उपज है उसका समर्थन मूल्य में खरीदी हो और कानून के नियम का पालन हो। तो क्या क्या मूवमेंट रहे इस संबंध में? कृषि मंडी अध्यक्ष थान सहज ने कहा कि उन्हें इस प्रकार के कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, यदि आदेश जारी होंगे तो उनका पालन किया जाएगा। सर, आपकी कृषि मंडी के सामने पे किसान अन्नदाता संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, क्या कह रहा है, जिसमें किसान विरोधी जो गतिविधियां जो चल रही है, कुछ किसानों की सही उपज ना मिल पाना, क्या वजह से नहीं ले पा रहे हैं मंडी वाले, क्या आपने कभी पता किया इस बारे में? देखिए सर, शासन की जो योजना चल रही है जिस प्रकार से एक समर्थन मूल्य में धान का खरीदी सोसाइटी में हो रही है, उस आधार पे शासन के निर्देशानुसार कृषि ये समर्थन मूल्य में जो धान खरीदी हो रहा है सोसाइटी में हो रहे हैं, ये समर्थन मूल्य में खरीदी धान की मंडी में कोई भी मध्य प्रदेश की 256 मंडियों में नहीं हो रही है,
क्या वजह है कि नहीं हो पा रही है? अब ये तो शासन प्रशासन ही बताएगी। तो आपने कभी पता करने की कोशिश की? पता करने की कोशिश हमने किया है, परंतु जब निर्देश ही नहीं है हमें खरीदने के, तो इस वजह से हमने खरीद नहीं किया है। तो अन्नदाता किसान ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाए। समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जाए यहाँ तक के सत्य है, किंतु हमें कोई आदेश नहीं हुआ, ना MD ने नहीं दिया, ना वरिष्ठालय से हमें पत्र नहीं मिला। इस वजह से हमने अपने कार्यालय में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंदर नहीं। किस रेट पर ले रहे हैं अब? अभी तो धान 1450 के रेट में जारी है खरीदना, जैसे बोली लगती है उस आधार पे। तो समर्थन मूल्य में कितना रहता है इसका रेट? समर्थन मूल्य में 1550 मंडियों में खरीदी की जाए। अच्छा, धरना प्रदर्शन पे आप भी शामिल हैं कि नहीं है? देखिए सर, अभी तो हमें कोई सूचना नहीं है। नहीं, अभी आप धरना स्थल पर बैठे हैं इसलिए नहीं, हम इनकी जानकारी लेने के लिए आए थे कि भैया आप लोगों के माध्यम से क्या हो रहा है। धरना प्रदर्शन में नहीं थे हम लोग, अभी हमारी बैठक थी, तो बैठक के देखते हुए हम सभी सदस्य इनकी जानकारी लेना चाह रहे थे कि आपके माध्यम से क्या हो रहा है। नवतपा के चौथे दिन जिलेवासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। सोमवार सुबह से ही चिपचिपाती धूप देखी गई और शाम 4 बजे तक लू भरी हवाएं चलती रहीं। लगातार बढ़ते जा रहे तापमान और भीषण गर्मी के चलते दोपहर के वक्त जिले की ज्यादातर सड़कें सूनी रहीं और लोग घनी छाया तलाशते नजर आए। दिन भर चले लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग मुंह ढककर इधर उधर जाते नजर आए। साथ ही शीतल पेयजल दुकानों व जूस सेंटरों में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। इस भीषण गर्मी के बीच सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग द्वारा आगामी 48 घंटों तक मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने की संभावनाएं जताते हुए इस वर्ष मानसून के जल्दी आने की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष केरल मानसून 4 दिन पूर्व ही केरल में प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते मध्यवर्ती भाग में भी इस वर्ष मृग के पूर्व ही मानसून आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा सोमवार को नए राम मंदिर में समाज की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में भगवान परशुराम सेना का गठन किया गया। इसके अलावा 18 से 30 वर्ष की आयु वाले 30 युवक युवतियों की कार्यकारिणी घोषित की गई। आयोजित इस बैठक व नई कार्यकारिणी गठन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि सेना की कार्यकारिणी का गठन सर्व ब्राह्मण समाज को मजबूती प्रदान करने और समाज में निहित कुरीतियों को दूर करने के लिए किया गया है। साथ ही यह कार्यकारिणी समाज द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगी। बैठक ली गई थी आप लोग आज सर्व ब्राह्मण समाज के लिए बालाघाट जिला इकाई की एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मेन रूप से युवाओं को जोड़ने के लिए जो 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के जो युवा हैं, युवतियां हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको सर्व ब्राह्मण समाज से जोड़ने के लिए जो अपने समाज के युवक और युवती हैं, आज इस बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक में भगवान परशुराम जी की सेना के नाम से, अर्थात परशुराम सेना का निर्माण किया गया। परशुराम सेना के जिले के अध्यक्ष, जिले के नहीं नगर के अध्यक्ष के रूप में पंडित दुर्गेश शर्मा, उनका चयन सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और करीब करीब 30 नौजवान युवा और युवतियों की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इस परशुराम सेना का प्रमुख जो उद्देश्य होगा, सर्व ब्राह्मण समाज को मजबूती प्रदान करना, ब्राह्मण सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित होने वाले तमाम कार्यक्रमों को सफल बनाने की जिम्मेदारी लेना अपने ऊपर, और पूरे जिले में परशुराम सेना का जो 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच हो, चाहे वो युवक हो और युवतियां हों, छात्र और छात्राएं हों, उनको सामाजिक रूप से जोड़ना और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में मदद करना, संगठन को मजबूती प्रदान करना, जिला ब्राह्मण समाज द्वारा आह्वान किए गए सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने की नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए अग्रणी भूमिका अदा करना, इसी उद्देश्य से परशुराम सेना का गठन करने के लिए 27वें राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए 15 सदस्यीय टीम सोमवार को इंदौर के लिए रवाना हुई। इन खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन के लिए नगरपालिका में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, तैराकी संघ के सचिव महेंद्र सुराना, सीएमओ गजानन नाफड़े सहित अन्य वरिष्ठ जन शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारी महेंद्र सुराना ने कहा कि सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है और वे राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे। गतिविधियां संचालित की जा रही कलाकृति के माध्यम से और बालाघाट जिला तैराकी संघ आज 32 वर्षों से सक्रिय रूप से काम कर रहा है। प्रतिवर्ष हमने बच्चों को प्रशिक्षण का काम किया है और इन प्रशिक्षित बच्चों को जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता भजनघाट में संपादित करके प्रतियोगिता को संपन्न करा करके और हमने बच्चों को तैयार करके प्रदेश स्तर पर प्रदेश स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में हमने बच्चों को भेजा है और इन बच्चों ने भी वजन घाट की स्विमिंग सीख करके और तैयारी करके नेशनल और इंटरनेशनल तक करके हमारे बालाघाट के बच्चे गए हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। ऊपर बच्चे आज सीनियर हो गए हैं, अपने अपने जॉब में रखे हैं। हम हर साल 15-20 बच्चों को तैयार करते हैं और ये बच्चे बिना स्विमिंग पूल के और बिना हमारे संसाधनों के बावजूद भी इन्होंने बालाघाट का नाम गौरवान्वित किया है और अच्छी प्रतिभा प्रदर्शन राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में करते आए हैं और और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लाल पर्रा, लांजी, पैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालपर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 28 मई को 3 दिवसीय महिला स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति अनीता लेल्हारे, जिला पंचायत सदस्य झाम सह नागेश्वर, जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल और बीएमओ डॉक्टर टीसी मेश्राम प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस 3 दिवसीय शिविर में महिलाओं और किशोरी बालिकाओं की जांच कर उनका उपचार किया जाएगा। महिला स्वास्थ्य से भी जी कब कितने गाँव में होना है? आज आज है तो लालपर्रा सेक्टर मानपुर, मानपुर में रखा गया है। 29 तारीख को खमरिया और कटनचरी में रखा गया है और 30 तारीख को
जाम मोह गांव में रखा गया है। ये इसमें किशोरी बालिकाएँ, गर्भवती महिलाएँ और प्रसूति महिलाएँ और वृद्ध महिलाएँ भी इसमें शामिल है। सभी महिलाएँ शासन के आदेश से कि जो हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से खासतौर पर गर्भवती महिलाएं जो हैं, अब किशोर महिलाएं जो हैं, किशोर उम्र की महिलाएं जो हैं, वो मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी किस्म से अपने आप को असहाय महसूस ना करें। शासन उनको सारी योजनाएं से क्रियान्वित करवा के सारी योजनाओं का लाभ देके अपने आप में उनको एक सक्षम बनाना चाह रहा है और एक ऐसा संदेश देना चाह रहा है कि हमारे प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो हर तरह से मजबूत हों। इस आशय को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। कितने दिवसीय है? ये 3 दिवसीय शिविर का आयोजन है और 3 दिवसीय तक लगातार हमारे 107 गाँव 77 पंचायतों की महिलाओं के सहयोगी उनके सहयोगी के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी या शिविर लगातार जांच करते रहती है और इन सब महिला बहनों में जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के और इस तरह की बीमारी जो अधिकतम पाई जा रही है उसकी पहचान कर उन्हें गंभीर रिस्क वाली महिलाओं को बालाघाट रेफर किया जाएगा और उनके चिकित्सक के द्वारा इलाज कराया जाएगा जो विशेषज्ञ हैं। इस प्रकार आज यहाँ लालबर्रा ब्लॉक लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह शिविर रखा गया है जिसमें हमारी शासन की मंशानुसार हमारी महिला बहनों को स्वास्थ्य सुविधा और इस काम में चूँकि स्वास्थ्य शिविर में पूरे इलाके की महिला आई थी, अधिकतर वो महिला जो इसमें किशोरी बालिकाएँ थी, किशोरी बालिकाओं की सारी समस्या जैसे किशोर अवस्था में जो भी होती है, किशोर अवस्था के मुहासे, महावारी में गड़बड़ी या महावारी की जटिलता, इस संबंध में अधिकतर किशोरियों को देखा गया। इसके अलावा जितनी भी गर्भवती माता आई हैं उनकी 3 जांच जो की जाती है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर लेने का, ब्लड प्रेशर लेने के साथ साथ हीमोग्लोबिन कितना है वो देखने का और कोई हाई रिस्क में तो नहीं जा रही है, ज़्यादा ऊंचाई है या ज़्यादा ऊंचाई है या तो फिर कम वजन की है या अधिक वजन की, तो गर्भवती माताओं की सबकी जाँच की गई है। इसके अलावा जटिल बीमारी से प्रभावित सभी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिनको किसी चीज़ का कैंसर जैसे ओरल कैंसर है या स्तन का कैंसर है या सर्विक्स का कैंसर है, तो सभी महिलाओं को अधिकतर देखा गया। साथ में कोई महिला वृद्धावस्था में कोई डायबिटीज की बीमार तो नहीं या कोई ब्लड प्रेशर। वाराणसी में 28 मई को भाजपा की विशेष बैठक हुई। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी प्रदीप शरणागत और रमेश ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में बूथ समिति सम्मेलन और बूथ की रणनीतियों पर चर्चा की गई। और संयोजक है शरद ठेकाठी। इस प्रकार से वाराणसी नगर के 15 वार्डों में 5 बूथ आते हैं जिसका दायित्व पालक का लक्ष्मीनारायण मेहता का 57, 58, 59 ये छगन हरवत जी जिसके पालक है। हमको सभी की आवश्यकता है, सभी के कार्य सभी ने देखा, लेकिन अब समय ये क्या है कि बैठकें हमारी निरंतर पहले प्रदेश कार्यकारिणी की होती है, फिर संभागीय होती है, फिर जिले की होती है, फिर मंडल की होती है। ऐसा एक एक सप्ताह का अंतर सब बैठकों में रहता है और निरंतर इन बैठकों में जो है संगठन पे चर्चा होती है, संगठन को कैसे चलाना और जो पार्टी ने हमको कार्यक्रम भेजे हैं वो कार्यक्रम कैसे हुए, उससे क्या अनुभव आया, जनता ने क्या कहा और जनता के बीच में जो सरकार की योजनाएं जा रही है क्या वो योजनाएं पूरी तरीके से उसका लाभ जनता को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, युवा वर्ग को, महिलाओं को, मजदूरों को, वो उसको देखना और इस कार्यक्रम के द्वारा जो है पब्लिक से सीधा संपर्क हमारे कार्यकर्ताओं का और नेताओं का होता है। आज भी बैठक जो अभी हमारा कार्यक्रम हुआ पंचायत प्रवास, उस पर सारा बैठक था, कौन लोग गए, उनसे अनुभव लिया कि आपने इस कार्यक्रम का उन पंचायतों में कैसा अनुभव किया, जो पार्टी ने रूपरेखा बना के भेजी थी क्या उस रूपरेखा के अंतर्गत आपने कार्यक्रम किया, ऐसा इस कार्यक्रम की सारी समीक्षा के लिए आज बैठक आहूत की गई। हमारे मंडल के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और पालक संयोजकों की बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक का जो उद्देश्य था, जैसा कि हमारे प्रदेश नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो जमीन तक जाए और सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, जितने भी हितग्राही योजनाएं हैं
उनको आम आदमी तक पहुँची या ना पहुँची, उसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन सब की जानकारी को ज़मीन तक पहुँचाना है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो बूथ समितियाँ बनी हैं, क्योंकि हमारा संगठन नीचे तक है तो बूथ समितियाँ जो बनी हैं उन बूथ समितियों का आगामी समय में सम्मेलन करना है, और प्रत्येक बूथ पर जो चाहे वो हमारा युवा मोर्चा की टीम हो चाहे वो हम। बैठक में यह है कि हमारे जो मंडल की बैठक जिले की बैठक एक सप्ताह बाद होती है, इस बैठक में जितने भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं सभी बूथ कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जवाबदारी क्या है सौंपी गई, जितने भी पालक हैं जब थे बूथ के नगर केंद्र के इनको बुलाकर बैठक ली गई, और इसके बीच में जो बूथ हैं बूथ के प्रभारी बूथ के संयोजक जिनका गठन हो चुका है, और हर बूथ पर 21 लोगों की एक समिति बनी जिसका एक बूथ प्रभारी भी बना, इस समिति की बैठक लेकर कार्यशाला हर बूथ पर की जा रही है ताकि गरीब से गरीब तबके के लोगों को क्या प्रधानमंत्री की योजनाएं या मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है उसके लिए क्या संघर्ष किया जाए कि अगर वो पात्र है तो उसको भी क्या शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने छेड़छाड़ के एक आरोपी महेंद्र लिल्हारे को 5 साल की सजा सुनाई है। इस आरोपी ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी। अभियोजन के अनुसार पिछले वर्ष 13 मार्च को यह 12 वर्षीय लड़की अपने घर के मवेशी चराने खेत की ओर गई थी, तभी लवेरी निवासी आरोपी महेंद्र लिल्हारे ने उससे छेड़छाड़ की थी। अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले इस आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा के अलावा 5,000 का जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है। वारासिवनी के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 26 मई से शुरू हुए इस स्वास्थ्य शिविर में आज 250 से अधिक लोगों की जांच की गई। मैं डॉक्टर अंजू बिसेन, आयुष मेडिकल ऑफिसर, सिविल अस्पताल वारासिवनी। जो शिविर आज किए गए महिला शिविर में कितने मरीज पहुँचे हैं, कल क्या उचित शिविर में आज लगभग हमने 250 मरीज देखे हैं, इसमें 75 के आसपास जो महिलाएं हैं गर्भवती महिलाएं और जो जिनको और दूसरी परेशानियां थी महिलाओं से संबंधित जो परेशानी है वो 75 से 80 मरीजों में महिलाओं को चेकअप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनका ब्लड प्रेशर, वेट, शुगर, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट ना ये सब जांचें हुई हैं, और इसके बाद जो है जो इनफर्टिलिटी वाली महिलाएं हैं उनके बाकी सारे टेस्ट करके उनको बालाघाट के लिए रेफ़र किया गया है। यहाँ से जिसको शरीर में कहीं गठान वगैरह है उनका यहाँ जितना यहाँ पर हो सकता है उतना यहाँ पर जाँच करके और उनको बालाघाट। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत वारा स्थित वारा टोला में एक घर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से घर के डहल का काफ़ी सामान जलकर नष्ट हो गया। गांव के एक घर में आग लगने की खबर मिलते ही गांव के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन उनके प्रयास नाकाफी रहे। वहीं बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाया गया। मैं रिजवान राजा अली, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा। सरपंच साहब, क्या घटना हुई बारह टोला में? लगभग 9 से 9:30 के बीच यहाँ पर केबल में शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिक केबल में, जिसकी वजह से छप्पर में चिंगारी गिरने से वहाँ भरे हुए पैरे में और सड्डन में अंगार लग गई। कितना नुकसान हुआ? मतलब तकरीबन 50 से 60 बेड पैरा, गवांडा और सड्डन पूरा जल गया है। अच्छा, घटना की जानकारी मिलते आपके द्वारा फायर ब्रिगेड? जैसे ही मुझे ग्रामीण जनों द्वारा सूचना मिली मैंने तुरंत फ़ोन पर नगरपालिका की फायर ब्रिगेड अमले को फ़ोन किया और माननीय विक्की पटेल नगरपालिका अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, उनके माध्यम से त्वरित गाड़ी भेजी गई और अभी वर्तमान में ग्रामीणों के प्रयास से तथा
फायर ब्रिगेड के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। अच्छा, समय रहते अगर फायर ब्रिगेड नहीं आता तो आग बढ़ा रूप। हाँ, ग्रामीणों द्वारा प्रयास जरूर किए जा रहे थे किंतु पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया गया था। जैसी फायर ब्रिगेड आई तभी आग पर काबू पाया गया। लालबरा क्षेत्र के ग्राम कटंगझरी के लोगों को लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं। जी हाँ, इस गांव में सौभाग्य योजना के तहत निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाने थे, लेकिन बिजली ठेकेदारों ने इन ग्रामीणों से रुपए ले लिए। इस बात की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई। वहीं बिना बिजली के ही सभी परिवारों को बिल भी थमा दिए गए। इस पर ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। इस पर ठेकेदारों के कर्मचारियों ने गांव पहुंचकर कनेक्शनधारियों को रुपए लौटा दिए। इस पर गांव वालों को लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं। क्या समस्या आई थी गांव में भी? बिजली कनेक्शन नहीं हुए थे और बिजली का बिल आ चुका था। और तो ये ठेकेदार लोग आके अभी बिजली का पैसा वापस करके गए। अच्छा, ये कौन सा पैसा था? ये जो लड़कों ने बोर्ड लगाने का पैसा लिए थे ना। कितना कितना? 200-200 रुपया वो वापस किए लोग। अच्छा, तो मतलब इस संबंध में जो है आपकी जो लड़ाई थी, किसने मतलब उठाई ये बात को? ये तो बीजेपी के है हमारे नेताजी भोजलाल ठाकरे जी, इन लोग ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, ये बात को रखे सामने और ये बात आगे बढ़ी जी। तो अभी अभी एक प्रकार से आपके यहाँ निःशुल्क हुआ है अब? हाँ। अब निःशुल्क कह सकते हो आप? हाँ। कि पैसा नहीं लगा? हाँ, नहीं लगा। तो अभी आप अब ठीक है, कैसा लग रहा है आपको अब? निःशुल्क संतुष्ट है? अभी तो संतुष्ट है। तो ये क्यों आए हैं आज ये ठेकेदार लोग? सब ये बिल का पैसे लेने भी। आपके यहाँ बिजली कनेक्शन हुआ है? हाँ। कब हुआ है ये? 1-1.5 महीना हो गया है। अच्छा, तो कनेक्शन करने के लिए कुछ पैसा लिए थे क्या लड़कों ने? हाँ, 200 रुपए लिए थे। तो आज क्या करने आए लोग? आपसी करने आए थे। आपको वापस दे दी है? हाँ। तो अभी आप संतुष्ट हो अब आप? हाँ। कनेक्शन अब चालू हो गया है? हाँ। बिजली जल रही है? जल रही है भैया जी। आपका परिचय? मैं भूलाल ठाकरे, ग्राम कटंग। क्या कार्रवाई हो रही है आज? आज वो जो हमने शिकायत की थी बिजली विभाग की और नल जल की भी किए थे, लेकिन बिजली विभाग का समझौता हो रहा है। जो ठेकेदारों द्वारा जो 200 रुपये लिया गया था वो हर कनेक्शनधारी को वापस किया गया जिनसे भी लिया गया था। और जो बिजली बिल का जो पैसा कनेक्शन के पहले आ गया था, ये भी बिजली बिल वापस करने का आश्वासन दिया गया है और बिल वही लेके जा रहे हैं और बिल पटाने की भी उन लोगों ने जवाबदारी लिया है यदि अगर माफ नहीं होता है तो। अभी अब क्या लग रहा है आपको, अब सही रूप से योजना सही है? इस टाइप से अगर कभी नियम से काम हो तो अच्छी बात है। इसके में क्या है, घोषणाएं कई प्रकार की होती है, गलत कोई करता है और बदनाम कौन होता है? तो सत्ता में रहने वाले लोग होते हैं, सत्ता के लोग बदनाम ना हों, इसलिए हमने ये कार्रवाई उठाया था और ये कार्रवाई का समाधान भी हो रहा है। अब आप संतुष्ट हैं? अभी तो फिलहाल 200 रुपये वापस होने से संतुष्ट हूँ। अगर बिजली का बिल यदि अगर माफ नहीं हुआ या वापस नहीं हुआ तो ये लड़ाई फिर से चालू। रॉयल ग्रुप द्वारा आयोजित BSPL सिस्का LED क्लब फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को गुरु नानक 11 और सिमरन राखी गोंदिया के बीच खेला गया, जिसमें गुरु नानक 11 ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिमरन राखी गोंदिया की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 7 विकेट खोकर 88 रन बनाए। जिस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे गुरु नानक 11 ने 9 ओवर में 5 गेंद में प्रतियोगिता का फाइनल मैच जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के समापन पर अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व अन्य पुरस्कारों का वितरण किया गया। मेरा नाम अनिल वाधवानी है और मैं रायल ग्रुप से हूँ। पूज्य सिंधी पंचायत बालाघाट के मार्गदर्शन में रायल ग्रुप द्वारा फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक किया गया था, जिसका कि आज फाइनल है। फाइनल हो रहा है। इसमें सभी टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जनता का भी बहुत अच्छा समर्थन मिला है
और आप मीडिया के माध्यम से जनता को सब जानकारी मिल रही है कि कौन टीम जीत रही है और कौन टीम प्रदर्शन अच्छा कर रही है। मेरा जनता को, गढ़ाट की जनता को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इनने आए और यहां अच्छे क्रिकेट का आनंद लिया। आज अभी इस समय गोंदिया की टीम और गुरु नानक इलेवन टीम के बीच फाइनल मैच जारी है और हमारी दोनों टीमों को शुभकामनाएं हैं, वो टीम भावना से खेलें और एक अच्छे खेल का प्रदर्शन करें। वारासिवनी के भाजपा विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के बयान को हास्यप्रद बताया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर निर्मल ने कहा कि डोकरिया बांध के संबंध में जो आपत्ति उठाई जा रही है वह गलत है। उन्होंने प्रदेश शासन का आदेश भी दिखाया। डॉक्टर निर्मल ने प्रदीप जायसवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने 15 वर्षों में केवल सभा मंच और मोक्षधाम ही बनाए हैं। आज अशफाक भाई, अपन ने जो पत्रकार वार्ता बुलाई, ये हमारे जो पूर्व विधायक हैं प्रदीप गुड्डा जायसवाल, उन्होंने आज कुछ समाचार पत्रों में आया कि विधायक डोकरिया के नाम पर, विकास के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और डोकरिया की कोई तकनीकी स्वीकृति नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर के और आज हमने ये आपको पत्रकारों को यहाँ आमंत्रित किया। जो आरोप लगाए गए हैं जो कि पूर्व विधायक के द्वारा कि जो डोकरिया बांध की बात की जा रही है वो उसमें मतलब ना उसकी एएस हुआ है ना टीएस हुआ है, तो क्या वास्तविकता क्या है रक्षक? वो 15 साल विधायक रहे, क्या उनने इस क्षेत्र में एकाध बांध बनाया? कोई बांध के बारे में उनको जानकारी है? और ये मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का पत्र मेरे हाथ में है, ये पत्र है, इसमें स्पष्ट किया है कि तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता का परीक्षण, जल की उपलब्धता, डूब क्षेत्र, वन भूमि एवं वित्तीय मापदंडों के आधार पर किए गए तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया निम्नलिखित सिंचाई परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य पाई, तकनीकी एवं वित्तीय, वित्तीय भी दोनों, उस 18 में ये डोकरिया जो हमारा सिंचाई परियोजना है ये 90 नंबर पर है और 18 में इस एक पे लिखा है कि परियोजना के सर्वेक्षण कार्य का प्रस्ताव पृथक से तैयार किया जाए, पृथक से। इसकी कॉपी भी हम आपको देंगे जी। और मैं तो ये आग्रह करता हूँ, मैं पोस्ट से भी उसको भेजूँगा, आप लिखें डॉक्टर योगेंद्र निर्मल पोस्ट से पूर्व विधायक को ये मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की एक कॉपी उसको भी भेजूँगा पूर्व विधायक को। तुमने तो कुछ किए नहीं, हम कर रहे हैं। अच्छा, हमको वोट लेना होता तो हम जब चुनाव लड़ रहे थे तब क्या हमने डोकरिया की बात की थी? कोई नहीं की। लेकिन जब हमने इसको गंभीरता से लिया, 1-to-1 में अपने मुख्यमंत्री के सामने रखा कि हमारे जो 13 गांव हैं ये निरंतर जो है यहाँ अकाल पड़ता है और यहाँ का किसान हर वर्ष टूट रहा है, इसकी वित्तीय स्थिति को ठीक। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाइक चालक ने यातायात आरक्षक से मारपीट कर फाड़ी वर्दी, वाहन चेकिंग के दौरान गर्रा नाके में हुई घटना। चुनावी वर्ष में सरकार को घेरने कोई मौका नहीं गवा रहे कर्मचारी संगठन वन कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदेश सरकार को भेंट की चूड़ियां। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा लूट और झूठ की सरकार है मोदी सरकार। मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे गौरीशंकर नगर के बाशिंदों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज कर किया धरना प्रदर्शन। धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर न होने से नाराज अन्नदाता किसान संगठन गोंगलई कृषि मंडी के सामने दिया धरना, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का सरकार पर लगाया आरोप। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले युवक को 5 साल की सजा। और विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने की पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के कार्यकाल की आलोचना, कहा सिर्फ सभा मंच और मोक्षधाम बनाने से नहीं होता विकास। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।